अभी हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ से हम लेंगे, हम पहुँचे भी रायगढ़। ठीक है, वेलकम। ये फादर खैर, अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, तकरीबन कुछ 3 घंटे की चढ़ाई है, बट दैट विल बी डन बाय जीप। थोड़ा ध्यान रखना। चलो भाई, मीट यू आफ्टर ब्रेक, गोइंग देयर। यार भाई आगे जगह है, पूरी खाली आगे। रेडी है? आगे पूरी खाली है, डरना नहीं भाई। क्योंकि चढ़ाइयाँ होती है सब। मैं आशी के साथ जा रहा हूँ। आशी रोल में उधर। अच्छा ठीक है जाओ जाओ, बंदे भी चलो। ज़्यादा कैसे मिले? पाँच पूरा हो गया ना? हाँ पाँच हो गया। हाँ पाँच हो गए। एंड वी आर इन। अरे तबे शब तबे। चल भाई। फिर कर लूँ तो मिलते हैं हम लोग। तो चलो भाई, भाई ने कह दिया बहुत मजा आएगा तो फिर आएगा। राइट नाउ वी हैव जस्ट reached the furthest point we can come by the jeeps. It was about an hour and it was about a 45 minute journey. Bahut rough tha, bahut tough tha, koi time lapse banayi hai wahan ki, lekin ab yahan ruke hain. Yahan ab upar aake thodi si thand hui hai, thodi si thand hui hai, lekin dekhiye bhai yahan pe ja ke aur thanda hoga. Wo yahan niche aap sare guzar rahi hain, नहरें गुजर रही हैं, यहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से। ये लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, यहाँ पे नीचे आगे गन्ने का, गन्ने नहीं, गन्नों की काश्त आगे वहाँ पे है। एंड अमेजिंग सी द माउंटेंस हिडन। सो वी वर सेइंग दैट ऊपर हो रही है बारिश। लेट्स सी, डू नॉट हैव वन ऑफ अस हैव अ रेनकोट, वी माइट हैव टू शेयर। नो, वी डू नॉट वांट टू डू दैट। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल गए हैं 1:12। अभी यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं इस खूबसूरत यहाँ से, फिर अब आगे निकलेंगे। ट्रैकिंग मुश्किल है, वज़न बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत कम। टेक एज लिटिल एज यू कैन, 1 किलो 2 किलो से ज़्यादा नहीं। या तो खच्चर पर चढ़वा लो या वैसे तो बहुत मुश्किल होगा। तो हम अभी फेरी मेडोज़ की तरफ चढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रैकिंग का ये है कि ट्रैकिंग ऑलमोस्ट कह रहे हैं लोग कि 3 घंटे की है। हम तकरीबन 1 घंटा हो गया चढ़ते हुए, ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से शायद ज़्यादा हो गया हुआ। लेकिन इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, बहुत मुश्किल है चढ़ाई, मुश्किल है और बहुत ऊँची, बहुत स्वर्ग है और पूरी ऊँचाई चढ़ाई है, पूरी ऊँचाई चढ़ाई है। और मतलब शहर में रहने वालों के लिए स्पेशली, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग शहर से आएँ, हम लोग बहुत चलते हैं, बट और जनरली हम लोग चलते बहुत हैं, लेकिन ये इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो वेरी टफ बट एक्सपीरियंस इज़ गुड यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इट्स वर्थ इट। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन अब हवा चल रही है, बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है, बट बहुत अगर हिम्मत मतलब आने का प्लान कर लो, कोई मसला नहीं, बट आने से पहले ज़रूर तकरीबन कोई 15-20 दिन जॉगिंग करो। अगर तुम्हारी टांगें खुल जाए, तो टांगों के मसल्स होते हैं, लेग मसल्स जो आपके अपर लेग होते हैं, थाई वगैरह, वो अगर आपकी स्ट्रांग है, भाई स्ट्रांग हो जाती है तो आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने का ये, आओ बैठो, रिलैक्स करो, चिल करो, फिर आगे बढ़ो। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो वी गो अहेड एंड वी गोना मूव फॉरवर्ड नाउ। हाँ, बाय बाय, टेक केयर। डेंजरस है, बहुत थकन है यार, ऊपर चढ़ना है, 1 घंटा हो गया चढ़े जा रहे हैं, अभी भी बोलने 2 घंटे चढ़ना है। लुक एट दिस, नीचे गए तो गए, लुक एट दिस, अभी तो बहुत ऊपर जाना है।
वापसी की फिक्र नहीं है, जाने का बहुत टेंशन है, सामान भी है साथ में। अल्लाह खैर करे। This place always reminds me of that song by the late Junaid Jamshed. Wo raaste jin par mud kar kabhi na hum aaye na tum aaye, hawa aaya hoon to ye kehte हुए महसूस होते हैं, अकेले फिर नहीं आना। क्लासिकल व्यू है, मतलब ये आप वीडियो में पता नहीं, आई डोंट नो आप लोग कैसा लग रहा है, यहाँ से देखें तो मतलब जन्नत में आ गए, लिटरली जन्नत में आ गए आप। बेहतरीन, यकीन नहीं होता यार, माशाल्लाह। हेलो गाइस, I'm not going to say chai pee lo because that would be really awful. Hi, right now, ab hum aa gaya hu Fairy Meadows, and this, I don't want to use this word, but awesome. Check it out. Class ki jagah hai. Amazing, peaceful. Quiet, you cannot hear anything. Reached Fairy Meadows, we reached about like almost 7 o'clock. I'll tell you more about the way here, but we came here, it was already dark, so I decided not to shoot anything. I did, however, was able to take some pictures and a very good video, I'll show that to you. So we are here right now and kamre mein aa gaye, and full karke abhi kamra garam ho raha hai. हीटर उसने चला दिया है, एक सॉलिड किस्म का, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और मौसम हो रहा है इंतहा का ठंडा। टेम्परेचर फाइव हो रहा है और कोई ऑसम किस्म की हो रहा है। सो कमरा गर्म हो गया है, बस लेटना है और सोना है। सुबह इंशाल्लाह उठेंगे 8 बजे करीब, और फिर एक और कपल ऑफ पॉइंट्स हैं, आप विल कम बैक, विल स्टे द नाइट हियर। बट कैंप हम यूजुअली पहले सोच रहे थे कि कैंप कर लें, बट कैंप इज़ नॉट सच अ गुड ऑप्शन। थोड़ा सा मिल मिला के 6-7 बंदों ने हम लोगों ने ये हट कर लिया, इज मच बेटर। बट शो यू मोर अबाउट द प्लेस, चलो लेट्स सी।